साथियों, न जाने कितनी रात गुजारनी पड़ती है जाग जाग कर, न जाने कितना संघर्ष कितने वर्षों तक करना पड़ता है तब जाके सफलता मिलती है। अगर आराम से सफलता मिलती होती तो आज इतना संघर्ष करने की जरूरत ना पड़ती। आईएएस का रिजल्ट आया है, लड़कियों ने टॉप किया, टॉप शीर्ष में लड़कियां रहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई। आप लोग समाज के एक नए परिवर्तन की तरफ जा रहे हो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे क्लास रखा हूँ, कल मैराथन है, और क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज देता हूँ। हिंदी साहित्य के बेसिक प्रश्नों पर हम लोग मैराथन करेंगे, तो सुबह 5 बजे उठ के 5:15 बजे मेरे साथ 3 घंटे पढ़िए। 2-3 दिन तक ऐसी क्लास करेंगे जिससे हमारा पढ़ने में एक मन भी लगने लगेगा और एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो आप सबके लिए मैं यह संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने भी बहुत आलस किया है, शुरुआत में बहुत आलस की और नहीं उतनी मेहनत से पढ़ा, लेकिन बाद में जब जिम्मेदारियां आई तो अपने आप लगन भी हो गई, अपने आप पढ़ने की चिंता भी हो गई। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग जिंदगी कुछ पड़ाव पर हो, जहाँ कुछ करना चाहते हो, या आपकी इतनी मजबूरी है बिना किए कुछ हो नहीं सकता। तो मैं आपके करियर की जिम्मेदारी लेता हूँ, आप मुझे 1 साल दे दीजिए ढंग से, मैं आपको सफलता दूंगा। मेरी एक स्टूडेंट है अनु भोसले, उन्होंने अपने इंटरव्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर में टॉप किया कर्नाटका में। उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे कहा था 6 महीने दे दो और 6 महीने बाद उनको सफलता मिली। तो मैं बहुत ही आपसे अपेक्षा रखता हूँ। UPTGT का एग्जाम सन्निकट है, उसको देखते हुए, MP वर्ग 1 को देखते हुए, NET 11 को देखते हुए मैंने सुबह की क्लास रखी है, और आप लोग अपने नींद और चैन को त्याग कर आएंगे, क्योंकि मैं अभी भी काम कर ही रहा हूँ। मेरे टेबल पर भी आप देखेंगे तो अभी किताब फैली हुई है, मैंने सोचा वीडियो बनाकर आपको भेज दूँ। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें मैं आपको फ्री क्लासेस देता हूँ। पेड क्लासेस मेरी अनअकैडमी पर चलती हैं, वो आपके ऊपर है, आपको ज्वाइन करना करिए, वरना फ्री वाली क्लासेस मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। आप सभी लोग खूब मेहनत करिए, सकारात्मक रहिए, कभी निराशा होती है कभी आशा होती है, ये क्रम लगा रहेगा, कभी पढ़ने में नहीं मन लगता कभी लगने लगता है, इसके लिए आप क्लास से जुड़े रहेंगे तो आप एक नई ताजगी से ओतप्रोत रहेंगे। एकाकी जीवन मत गुजारिए, जैसे कुछ लोग होते हैं बंद कमरे में अकेले पढ़ना चाहते हैं, वो लंबे समय तक नहीं हो पाता है ना। तो आप लोग बंद कमरे में पढ़िए, 4-6 घंटे अपना सेपरेट रख लीजिए, लेकिन 2-4 घंटे बाहर निकल के हमारे साथ भी पढ़िए, अपने रूटीन में भी पढ़िए, तो आपके लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि बंद कमरे में सारी चीजें हमको मिल नहीं जाती, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी जानकारी हमको बाहर निकल के ही पता चलती है। तो आप सभी लोग मेरे साथ लगे रहें, मेहनत करें, और कौन कौन तैयार है सुबह जगने के लिए एक बार कमेंट करके बताना, और ये मेरी क्लास ब्रह्म मुहूर्त की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हो, जब आप साथ देते हो। आप सभी के भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सभी लोग खूब आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूँ अनवरत अंतिम सांस तक। शुक्रिया सभी का, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।